नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरीके से चार दोस्त हिमाचल प्रदेश की वादियों में घूमने गए थे और इसके साथ साथ इन्होंने वहां पर खौफनाक मंजर देखा और सभी की रूह है वो कांप गई। और हम आपको बता देना चाहते हैं किस तरीके से इन्होंने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा। अब ये खुलकर बताएंगे कि वहां क्या क्या देखा। ये युवा साथी मौत को मात देकर सिरसा आए हैं। बहुत ही ज्यादा खराब था जी, बस आ गए जैसे भी बच के आ गए। 7 तारीख को निकले थे जी यहाँ से, ठीक है, 8 को हम वहाँ पहुँचे थे, ठीक है। और उसके बाद हम वहाँ जाके होटल लिया हमने और वहाँ जाके हमने आ गए मणिकरण साहब गए। वहाँ से जब हम वापस आए तो वापस आते समय बारिश चालू हो गई और वहाँ बादल फट गया, तो उसकी वजह से हम दिक्कत ज़्यादा आ गई थी वहाँ। सर आप क्या कहते हैं, क्या नाम है आप? सर मेरा नाम इंदर है। और सर किस तरह का माहौल सर वहाँ? सर मेरा लाइफ का सबसे जो मैंने देखा था फर्स्ट टाइम, इतना भयानक सीन मैंने देखा अपनी लाइफ का। हमें पता है हम कैसे वहाँ से सिचुएशन निकल के आए। वहाँ की गवर्नमेंट का आप लगा लो, किसी का भी लगा लो, किसी का भी कोई सपोर्ट नहीं है। हमने लड़ झगड़ के कल हमने वहाँ से खुलवाया ब्लॉक, तब जाके हम यहाँ पहुँचे। मेरे पास की वीडियो है, मैं आपको वीडियो भी शेयर करूँगा अगर हो सके तो। और वहाँ पे कुछ भी खाने पीने पानी का किसी टाइप का कोई बंदोबस्त नहीं। जो बंदा जिस सिचुएशन बैठा है वो उसी सिचुएशन बैठा है, कोई किसी टाइप का भी कोई भी इंतजाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे नेटवर्क वगैरह सब बंद कर दिए गए ताकि वहाँ की कोई भी रिपोर्ट बाहर ना निकल पाए। ये तो हम जहाँ पे थे वहाँ पे लगभग 150 से 200 गाड़ियाँ थी, और हमें सुनने में आया उससे पीछे 10 किलोमीटर पीछे यानी कुल्लू के पास कम से कम 1000 गाड़ियाँ थी जो ऐसे फंसी हुई है। और सर हमारे सामने में मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखा अपनी लाइफ में, ब्यास नदी के अंदर कम से कम 4 से 5 गाड़ियाँ हमारे सामने गई है, बड़े से बड़े ट्रक बहते गए हैं, लेकिन कोई वहाँ पे कोई सलूशन नहीं। और वहाँ हम सर फ्राइडे को यहाँ पे यहाँ से निकले शाम को 4 बजे, और सैटरडे हम सुबह 7 बजे पहुँचे, हमने होटल लिया है और 11-12 बजे अप्रोक्सीमेट हमने मणिकरण साहब में गुरुद्वारे मत्था टेका। और अगले दिन हमें पता चला ये सीन हुआ है, हम शुक्र मानिए 11 बजे वहाँ से हम निकल लिए, नहीं तो हम भी शायद वहीं फंसे होते, क्योंकि हमारा संडे का प्रोग्राम था वहाँ जाने का मणिकरण साहब में। और भी क्या कुछ रहा सर, काफ़ी लोग परेशान हैं? सर बहुत लोग परेशान हैं वहाँ पे, 60% तो लेडीज़ थी वहाँ पे। लेडीज़ को हमने देखा है कैसे वो परेशान हो रही है, बच्चे कैसे परेशान हो रहे हैं, उनको कुछ खाने को नहीं है, दूध वगैरह नहीं है। वहाँ की अगर मैं पब्लिक का सपोर्ट मानूँ, कम से कम अगर अदर जगह पब्लिक का सपोर्ट होता है, वहाँ की पब्लिक का भी सपोर्ट नहीं है। जो चीज़ 10 रुपये की मिल रही है वहाँ पे वो चीज़ 50 की दे रही है। यहाँ तक कि लेडीज़ वॉशरूम जाने के लिए भी 30-30, 40-40 रुपये ले रहे हैं वहाँ के पब्लिक वाले। यहाँ पर ये सीन हो रहा है। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अमित है जी। किस तरह का मंजर पहली बार देखा आपने? किस तरह का मंजर? लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा जो मैंने देखा, मतलब इतना बुरा हालात था ना, बस पूछो मत। बस किसी तरह हम कोशिश करके बच के आ गए। एक पेट्रोल पंप मिला जहाँ, मतलब 2 पेट्रोल पंप पे गए थे, एक में पानी मिक्स हो चुका था, दूसरा पेट्रोल पंप पे गए, वहाँ किसी तरह हमें पेट्रोल मिल गया, डीजल मिल गया 1500 का। मैं ऐसा समझो उसी डीजल की बदौलत हम नीचे आए, नहीं तो हमारे पास आने का कोई साधन भी नहीं था। बहुत बुरा हाल था। आने का साधन भी नहीं था? नहीं था बिल्कुल, मतलब डीजल ही नहीं होता तो फिर आता कहाँ से नीचे? गाड़ी का कोई वो नहीं था ना, गाड़ियाँ बह रही थी सारी, गाड़ियाँ बह रही थी। बहुत बुरा हाल था। घरों के ऐसा समझो जी, हम तो बैक क्रॉस करके किसी ने हमें गाँव का रास्ता बताया कि वहाँ से चले जाओ। हम गाड़ी रात को वापस भी लेके गए, हमारे नेटवर्क तो रात को जा ही चुके थे। हम गाड़ी वापस घुमाने के लेके गए तो हमने देखा कि सड़कें ना दरारें पड़ी हैं, टूटी पड़ी है, अगर हम उस रोड से जाते तो शायद हम बह भी जाते हैं। और हमारे सामने ही है मेरा फ्रेंड है प्रेम, उसको किसी लड़के ने कहा, अपनी एज वगैरह बताई 23 साल की, और कहता है कि हम दिल्ली से आए हैं। वो हमारे सामने रात को टेंशन में होके अपनी गाड़ी ले गया, आगे ले गया गाड़ी। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी न्यूज़ आई कि उसकी गाड़ी बह गई। अगर उस टाइम सिचुएशन ये थी कि हम भी उसके साथ यही प्लान बनाए बैठे कि हम निकल जाएं, लेकिन हम चारों ने फ्रेंडों मिलकर ये कहा कि अगर 150-200 गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके साथ हम खड़े रहें, जब ये निकलेंगी तो भी हम उनके साथ चलेंगे। तो हमने 2 दिन वहाँ वेट किया, सब्र किया। हाँ जी बहुत बुरा ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जी, बहुत दिक्कत, बहुत वहाँ पर बहुत दिक्कत हुई। मतलब पहली बार देखा सिस्टम ऐसा ही, भगवान का शुक्र हम पहुँच गए यहाँ पे, जैसे ही पहुँच गए जी। चारों दोस्त हैं? हाँ जी दोस्त, कंपनी में काम करते, चारों अलग अलग कंपनी में। तो सेल्स एकदम से प्रॉब्लम बना, सुबह 11 बजे बनाया, शाम को 3-4 बजे निकल गए हम, बादल फट गया वहाँ से, बादल फट गया पीछे से जी। बहुत मुश्किल से पहुँचे हम, बस बुलाना शुक्र हम पहुँच गए जी। मोबाइल नेटवर्क कितने दिन? नेटवर्क 2 दिन, 2 दिन नेटवर्क, बिल्कुल नेटवर्क नहीं, यहाँ पे लाइट ही नहीं है, लाइट ही नहीं है।
लाइट भी नहीं है, ना लाइट है ना कुछ नहीं है, पानी कुछ भी नहीं यहाँ पे। आगे फिर टूटी है, पीछे फिर टूटी है, आने जाने का रास्ता नहीं है। और तो एक नया टनल नया बना था, उसका मुहूर्त नहीं होता, बस उसमें से मैंने कटवाया जी। लाइफ में पहली बार देखा बहुत गाड़ियाँ हमने खुद देखी बैठती गाड़ी जी, ट्रक देखा है हमें, ऊपर से सिलेंडर गिर रहे हैं, मकान गिर रहे ऊपर से गाड़ियों से।